क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट साइन एन प्लस 1x साइन एन प्लस 2x प्लस कॉन एन कॉस एन प्लस 1x कॉस एन प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस एक्स। बच्चों क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है और इसे हमें सॉल्व करके ये लेके आना कॉस एक्स। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो दिया हुआ है एक फॉर्मूले की फॉर्म है, राइट हैंड साइड है ना बच्चों। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है यहां। कॉस ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखें ऐसे यूजिंग कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, ये होता है बच्चों। ठीक, आप बच्चों यहां ए पहचान पा रहे हैं? देखिए यहां हमने कॉस ए कॉस बी पहले लिखा है, साइन ए साइन बी बाद में लिखा है, लेकिन दोनों सम में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इसे यहां लिखें या इसे यहां लिखें, है ना। यहां ऐसे ही रखा है भाई, साइन वाई टर्म्स बाद में आ रही है और कॉस यहां जो साइन वाई टर्म पहले आ गई है और कॉस वाई टर्म बाद में आ रही है, फॉर्मूला ऐसे होता है। यहां बच्चों ए पहचान पा रहे हैं? ए है एन प्लस 1 जबकि बी है एन प्लस 2x, तो कॉस एन प्लस 1x माइनस एन प्लस 2x कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx से nx कट गया बच्चों, x माइनस 2x x माइनस 2x x हो जाए तो ये हो जाएगा cos x, यही हमें लिख आना था, इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड।